गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम आसवन प्रक्रिया भी बोलते हैं। ऑफ आवर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्टिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्टिलेशन मेथड लाइक सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, applications of distillations, use of distillations, advantage and disadvantage of distillation, and finally a conclusion. First of all, we will discuss here the introduction part of the distillation. Since organic compound do not occur usually in a pure conditions in the natures, आम तौर पे प्रकृति में organic compounds शुद्ध नहीं पाए जाते हैं, and are accompanied by impurity when synthesized. ये अशुद्धियाँ संश्लेषण के दौरान साथ में ही उत्पन्न हो जाती हैं या आ जाती हैं। द प्यूरिफिकेशन ऑफ मटीरियल फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेबोरेटरी वर्क इन द फार्मेसी। मटीरियल का शुद्धिकरण फार्मेसी के प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फोर जनरल सेपरेशन प्रोसीजर्स आर यूज फ्रिक्वेंटली इन ऑर्गेनिक वर्क इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री। लेबोरेटरी और प्रयोगशाला और इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक वर्क में चार तरह के सेपरेशन प्रोसीजर को हम जनरली यूज करते हैं, लाइक डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सट्रैक्शन। डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी को संक्षिप्त में देख लेते हैं क्या है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज आल्सो सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर्स बाय पासिंग इट इन सॉल्यूशंस आर सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम इन विच द कंपोनेंट्स मूव एट अ डिफरेंट रेट। इन दिस वे द मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। नाउ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल इज ए सॉलिड कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर अरेंज इन आर रिपीटिंग पैटर्न्स एंड इट्स प्रोसेस इज सिंपली नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। नाउ फोर्थ जनरल प्रोसीजर्स लाइक एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। द डिस्टिलेशन प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज टू सेपरेट अ कंपाउंड फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर्स बेस्ड ऑन देयर अ बॉइलिंग पॉइंट बाई यूजिंग अ सेलेक्टिव। डिस्टिलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसका उपयोग कंपाउंड को उसके लिक्विड मिक्सचर से उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग करने में करते हैं, जिसमें चयनात्मक तरीके से बॉइलिंग और कंडेंसेशन या संघनन को भी हम प्रयोग में लाते हैं। डिस्टिलेशन नाउ वी विल डिस्कस हियर अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। अ सबस्टेंस विल बॉयल ओनली व्हेन अ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द सराउंडिंग। एक सबस्टेंस तभी बॉयल करेगा जब उसका उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जो सराउंडिंग के द्वारा अप्लाई किया जाता है, सराउंडिंग का मतलब एटमॉस्फेयर के बराबर हो। डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू एफिशिएंटली प्यूरिफाई अ वोलेटाइल दैट इज अ लो बॉइलिंग कंपाउंड्स। डिस्टिलेशन का उपयोग वोलेटाइल कंपाउंड या लो बॉइलिंग पॉइंट के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके प्यूरिफाई करने में कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। डिस्टिलेशन इज यूज टू अ सेपरेट टू लिक्विड्स ऑफ अ सब्सटेंटली डिफरेंट अ बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन का उपयोग दो विभिन्न बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स को अलग करने में किया जाता है। एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपराइजिंग एंड कंडेंसिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम अलाउ फॉर द सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड्स। एक डिस्टिलेशन कॉलम में वेपोराइजिंग एंड कंडेंसिंग वाष्पीकरण और संघनन की स्थिति बिल्कुल जब समतुल्य हो
समान हो तब यह डिस्टिलेशन प्रोसेस लिक्विड को सेपरेट आउट होने की अनुमति देता है या सेपरेट आउट लिक्विड को होने देता है. मोस्ट ऑफ द लोअर बॉइलिंग पॉइंट इच अ कलेक्टेड इन अ रिसीवर वायल्स. ज़्यादातर जो लो बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड्स होते हैं रिसीवर वायल्स या रिसीवर कंटेनर्स में कलेक्ट हो जाते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द हायर बॉइलिंग लिक्विड रिमेन इन द ओरिजिनल फ्लास्क. जबकि हायर बॉइलिंग पॉइंट के जो लिक्विड्स होते हैं ओरिजिनल फ्लास्क में ही रह जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस हियर द क्लासिफिकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग पॉइंट्स या फॉलोइंग टाइप. फर्स्ट वन द सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, जोन डिस्टिलेशन, एयर सेंसिटिव वैक्यूम डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन. बट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली अ सिंपल फ्रैक्शनल स्टीम वैक्यूम एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एज पर द सिलेबस. नाउ वी विल डिस्कस हियर द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस. असेंबली ऑपरेटर्स फॉर अ सिंपल डिस्टिलेशन एज शोन इन अ फिगर वन. दिस वन इज द सिंपल डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स. नाउ वी विल डिस्कस हियर द सिंपल डिस्टिलेशन अ प्रोसेस. सिंपल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इन टू इट्स वेपर इन अ डिस्टिलेशन स्टील. डिस्टिलेशन स्टील में या डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स में सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान एक लिक्विड को उसके वेपर में चेंज किया जाता है, ट्रांसफरिंग द वेपर टू अनदर अ प्लेस. फिर इस वेपर को दूसरे प्लेस पे, दूसरे स्थान पे ट्रांसफर किया जाता है, कंडेंसिंग इट अगेन इनटू अ लिक्विड. अब पुनः इसको यानी कंडेंस करके लिक्विड बनाया जाता है. कंडेंस के मतलब संघनन प्रक्रिया से. द लिक्विड टू बी अ प्योरीफाइड इज टेकन इनटू डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विद द थर्मामीटर एंड अ वाटर कंडेंसर. जिस लिक्विड का डिस्टिलेशन प्रोसेस करना होता है उस लिक्विड को डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम रखते हैं और डिस्टिलेशन फ्लास्क में थर्मामीटर और वाटर कंडेंसर लगा होना चाहिए. एड अ बॉइलिंग चिप्स, उसमें बॉइलिंग चिप्स हम ऐड करते हैं. इंश्योर दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, और सुनिश्चित कर लेते हैं कि डिस्टिलेशन असेंबली के सभी पॉइंट्स, सभी कनेक्शंस यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से टाइट हो. द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी बिलो द ओपनिंग इन टू द साइड आर्म ऑफ द डिस्टिलेशन हेड. डिस्टिलेशन हेड के साइड आर्म के नीचे ही थर्मामीटर का बल्ब होना चाहिए. द फ्लास्क इज स्ट्रांगली हीटेड ऑन अ वाटर, ऑयल और सैंड बाथ डिपेंडिंग अपॉन अ बॉइलिंग पॉइंट. फ्लास्क को स्ट्रांगली वाटर, ऑयल या सैंड बाथ पर हम हीट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट कि लिक्विड का कितना बॉइलिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम वाटर बाथ या ऑयल बाथ या सैंड बाथ हम चूज करते हैं. वाटर बाथ लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए जनरली चूज करते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा के लिए ऑयल करते हैं, सबसे ज़्यादा के लिए हम सैंड वाटर बाथ यूज करते हैं. ये तब तक प्रक्रिया करते हैं अनटिल बॉइलिंग बिगिन, जब तक कि बॉइलिंग प्रक्रिया शुरू ना हो जाए. देन एडजस्ट द हीट अनटिल अ डिस्टिल अ ड्रॉप एट अ रेगुलर रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड. और उसके बाद से इसको हीट को जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं. क्या एडजस्ट करते हैं? ताकि जो डिस्टिल है, जो डिस्टिलेशन के बाद से जो कंडेंसेशन प्रक्रिया से जो भी यानी कि आपका डिस्टिल ड्रॉप आ रहा है ये 1 ड्रॉप पर सेकेंड हो जाए, तब तक हम इसको एडजस्ट करते हैं, मतलब कम करते हैं. शुरुआती तौर पर बहुत तेज़ आता है, बाद में उसको हम कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि 1 ड्रॉप 1 सेकेंड में ही यानी कि डिस्टिल हो पाए. फाइनली इम्प्यूटी रिमेन लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. अंततः जो अशुद्धियाँ होती हैं वह डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाती हैं. नाउ दिस इज अ डिस्टिलेशन.